देश की शान भारतीय सेना है, लेकिन उसके कुछ शूरवीर अपने आप में सेना की शान है। इनमें से एक है कैप्टन प्रिया सेमवाल। पति की शहादत के बाद इन्होंने आर्मी ज्वाइन की। आज आजादी के जश्न पर इंडिया न्यूज ने कैप्टन प्रिया से खास बातचीत की, आप भी देखिए। इस स्वतंत्रता दिवस हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान हैं जो जुड़ी हैं, कैप्टन प्रिया सेमवाल शर्मा, जिन्होंने अपनी पर्सनल ट्रेजेडी को एक अपने लिए एनर्जी, एक ऊर्जा के तौर पे उसे यूज किया और हम सबके लिए, हमारे दर्शकों के लिए, मेरे लिए एक प्रेरणा के रूप में आई हैं। कैप्टन प्रिया सेमवाल जी, मैं पहली चीज आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी जो पर्सनल जो लाइफ रही है अब तक की, आपके पति शहीद हुए और उसके बाद आप एक कैप्टन के तौर पर, कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर जुड़ी, थोड़ा अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में बताइए, सफर आपका। पर्सनल जर्नी, सफर जी, पहले तो लाइफ एक सफर है सबके लिए, जिसमें काफी स्टॉप्स आते हैं, आपको वहां उतरना पड़ता है, फिर आगे मूव करना होता है। तो मेरी लाइफ ऐसी है कि मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली, ऐसा कुछ हाई लेवल या कुछ इतना एक्साइटेड नहीं है, बट मैं शुरू से ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड एंड एडवेंचरस रही हूँ बचपन से ही। जब आपने ठाना, मैं आप दर्शकों को बताऊं कि कैप्टन प्रिया सेमवाल शर्मा जी के हस्बैंड जो थे, जो शहीद हुए 2012 में, वो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर थे और कैप्टन प्रिया एक कमीशन्ड ऑफिसर हैं। और जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत बहुत प्रेरणा का एक, जिसे कहते हैं, बहुत प्रेरणा मिलती है, मुझको मिल रही है और हमारे दर्शकों को भी मिल रही है। आपने वो साहस कब आया और कब आपने वो निर्णय लिया कि आपको अपने पति की मेमोरी के लिए और पति के कदमों पर चलना है, कैसे मिला आपको वो साहस? मैं जब 20 साल की थी जी, तब मेरी शादी नायक अमित से हुआ। उस टाइम पे मैं अपना बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे रही थी, फिर मैंने अपना सेकंड ईयर का एग्जाम दिया। बट जब मेरा ये रिश्ता चल रहा था, तो उस टाइम पे मैंने अपनी फैमिली को अपोज नहीं किया कि मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि हम ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां पर हम अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। आवर पेरेंट्स इज एवरीथिंग फॉर अस। तो फिर मैंने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू हैव पॉजिटिविटी हेयर, मतलब मेरे अंदर यहां पर था कि शादी इज सेकेंडरी थिंग फॉर मी, सबसे पहले मुझे अपने आप को ग्रूम करना है, अपने आप को खड़ा करना है, तो उसके लिए मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी, जिसमें कि मेरा साथ मेरे पति ने पूरा दिया। मैंने शादी के बाद अपनी बीएससी कंप्लीट की, एमएससी कंप्लीट किया और बीएड किया जी। बट एक लाइफ बोलते हैं ना कि आपको नहीं पता, अनएक्सपेक्टेड टर्न्स बहुत आते हैं लाइफ में, तो मेरे साथ भी वही हुआ। 20 जून 2012 को मेरे हस्बैंड शहीद हुए अरुणाचल प्रदेश में, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी चीज था, बहुत बड़ा एक शॉकिंग मोमेंट था, जिंदगी बदल गई। हाँ, बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरे लिए कोई काली रात थी, काला अंधेरा था, क्योंकि ये कहना मेरे लिए बहुत, मैं इस चीज को बोलूंगी कि ये बहुत नेगेटिव वाला नेगेटिविटी है। वो मेरी लाइफ का एक यू टर्न था, जिसमें कि मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई थी जी। मेरे लिए बहुत बड़ा धक्का था क्योंकि मैंने अपने लाइफ के उस पार्ट को खोया था जहां पर मैं सोचती थी कि एक पति का होना बहुत जरूरी है। बट जब आप अपने हाथ पास से एक सपोर्ट हटाते हो और आप खड़े रहते हो, दैट इज द बिग थिंग। तो जब मेरे हाथ पास से वो सपोर्ट हट गया, मुझे पता चला कि अब कोई सपोर्ट नहीं है, मुझे खुद खड़ा होना है, खुद करना है, तब मैंने सोचा कि सच में क्या एक सहारे की जरूरत है, क्योंकि जब आपके साथ ये हादसा होता है जी, तो सोसाइटी आपको बोलती है कि अरे ये तो बेचारी हो गई है, अब ये बेचारी क्या करेगी, अब ये अपनी छोटी बेटी को कैसे करेगी, ये बेचारी हो गई, मतलब वो आपको एक डेजिग्नेशन देते हैं, दैट इज कॉल्ड बेचारी। तो आई हेट दैट वर्ड बेचारी। आपके घर वालों ने आपको सपोर्ट किया जब आपने ये निर्णय लिया कि आपको वापस अपने पति के कदमों पे चलना है, आगे बढ़ना है? बिल्कुल, मेरे परिवार ने, मेरे भाई ने, मेरी मम्मी ने, और मुझे इतना सपोर्ट किया इस चीज के लिए कि मैं ये कुछ करूं लाइफ में। मैं, मेरे भाई ने मेरे को एक चीज बोली थी उस टाइम पे जब मैंने कर्नल अरुण अग्रवाल का कॉल लिया था, क्योंकि उस समय मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि इस टाइप की भी कोई एंट्री होती है जी। कर्नल अरुण अग्रवाल ने मेरे को बताया कि प्रिया आप आर्मी के लिए ट्राई करो एक अधिकारी बनके जी। तो वो चीज मुझे उस टाइम पे तो ऐसी लग रही थी कि ये क्या बोल रहे हैं, बट मुझे लगा कि ये बहुत सही चीज बोल रहे हैं।
फिर मेरे भाई ने, मैंने जब वो डिस्कस किया अपने ब्रदर के साथ, तो मेरे भाई ने मुझे एक चीज बोली थी उस दिन जो कि मुझे आज तक याद है कि प्रिया एक चीज याद रखना, जो ऑडियंस होती है वो बहुत सारी होती है, बट जो एक शो कर रहा होता है वो केवल एक होता है। तो दिखाने वाला केवल एक होता है, देखने वाले बहुत सारे होते हैं। तो नाउ इट्स टाइम टू शो, अब ये तेरा शो है, ये तुझे प्ले करना है जी, और तुम्हें ही एग्जाम्पल सेट करना है। ये वो मैसेज है वो सारे हमारे दर्शकों के लिए, खासकर की औरतों के लिए। जैसा कैप्टन प्रिया ने कहा, कोई बेचारी नहीं होती है, कोई अबला नहीं है। अगर किसी नारी ने ठान लिया कि उसको कुछ करना है, तो मुझे नहीं लगता कि कैप्टन प्रिया से ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी किसी भी और लड़की को मिल सकती है जो इस वक्त ये शो देख रही है। आप हमें ये बताइए कि कर्नल अग्रवाल का कितना बड़ा रोल था आपकी ग्रूमिंग में, आपके निर्णय में, आपको पूरी गाइडेंस देने में। मैं बोलूंगी 90% अगर देखा जाए तो कर्नल अरुण अग्रवाल ही है जिनकी वजह से मैं आज आपके साथ बैठी हूँ और इंटरव्यू दे रही हूँ। आपके सितारे लगे हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि मेरे को नहीं पता था ये ऐसा भी कोई एंट्री होता है। अगर वो मुझे ये फैक्टर लेके साइड कर देते कि एक जवान की बीवी है, वो क्या अफसर बनेगी, वो क्या अधिकारी बनेगी, तो शायद मैं नहीं कर पाती। बट उनको मेरे ऊपर फेथ था। उनको मेरे ऊपर क्यों फेथ था? क्योंकि मेरी एजुकेशन को देखे जी, और जो एजुकेशन जिसमें बहुत बड़ा रोल आपके शहीद पिता का भी था और पूरी फैमिली का था, जिन्होंने आपको आगे बढ़ने से कभी नहीं रोका। तो एजुकेशन इस टाइम पे वो एक हथियार है, जिसके पास वो है वो कभी भी मात नहीं खाएगा लाइफ में। वो कहीं ना कहीं अपनी उस एजुकेशन को लेके कहीं ना कहीं जरूर स्टैंड करेगा। मैटर ये करता है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। बिल्कुल, आप उसको लेके, एक होता है जैसे कि हमने कहीं पर देखा है कि लेडीज इतनी पढ़ी लिखी होती हैं, बट वो केवल अपने परिवार की वजह से साइड में बैठ जाती हैं, वो केवल खाना बनाती हैं, घर देखती हैं और साइड बैठ जाती हैं। तो जो महिला का रोल है वो एक अच्छी गृहिणी होना ही काफी नहीं है, उसके लिए अपनी जितनी भी उसकी टैलेंट है, जितनी उसकी अपॉर्चुनिटी है, उसको पूरा करना भी मुझे लगता है आज की तारीख में आज की नारी का भी उतना ही बड़ा फर्ज है जितना एक आदमी का। अगर हम देखें आज की फर्ज है जितना एक आदमी का अगर हम देखें आज की डेट में, तो आजकल चलता है वुमेन एम्पावरमेंट। मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी नहीं है। ये वर्ड्स होना ही नहीं चाहिए। एम्पावरमेंट वर्ड इज फाइन, बट वुमेन नॉट रिक्वायर्ड। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आज की डेट में आप देखें, आप अपने आप को देखें, मेरे को देखें और ऐसे कई है, तो सच में क्या वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत है? वी आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। बट इसमें मेरा थोड़ा सा आपसे मतभेद है, और वो ये है कि आपने हमारे दर्शकों को अपना बैकग्राउंड बताया कि आप जिस पूरी फैमिली बैकग्राउंड से, जिस सोसाइटी से आई, वहां पर एक लिमिटेशन थी कि भाई इस समय, इस जीवन के इस मोड़ पर यही करना है, शादी करनी है, भले ही पढ़ाई हो या ना हो, आगे बढ़ना है, यही रास्ता है। क्या उन लड़कियों को, उन सारे घरों को वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, उन घरों में उन लड़कियों को आवश्यकता है। बिल्कुल नहीं है। अगर वो एजुकेशन ले रही है तो उनको बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बोला ना कि आपके यहाँ पर शादी आपके परिवार का फैसला है, आपका फैसला नहीं है। आपको अपने परिवार के फैसले के साथ चलना है, बट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर फैसला, आपका अपना फैसला है जो कि आपके मन में है कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, दैट इज योर फैसला। तो एम्पावरमेंट तो कहीं आता ही नहीं है। एम्पावरमेंट वहां आता है जहां पर मेरे को कोचा जाए, मेरे को बोला जाए कि कुछ करो, यू आर लैगिंग बिहाइंड, बट आई एम सॉरी, या तुम बेचारी हो, बट मैं अपने आप को बेचारी नहीं मानती हूँ। मैं जहां तक मैं देखती हूँ कि कोई बेचारी है ही नहीं। आपकी 12 साल की बेटी है, क्या क्या आप चाहेंगी कि जो अगली जनरेशन हो, जो और जो लड़कियां, जो टीनेजर्स हैं, जो आगे जाके महिलाएं बनेंगी, सशक्त बनेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप उन सबको? बहुत लोग आपको सुन भी रही होंगी इस वक्त। मेरा मैसेज उनको बस यही है, अगर आपने अपने एम को फोकस किया है तो जिसका फैसला, आपकी फैमिली का फैसला, किसी का भी फैसला हो, तो आप उन सबको साथ लेके केवल अपने फोकस को हिट करोगे। ये फैक्ट है, क्योंकि आप जिस निश्चय जिसे कहते हैं, निश्चय जिसे कहते हैं, क्योंकि आप जिस सोसाइटी में हो वहां पर बहुत सारे फैसले आपको लेके चलने पड़ते हैं, पर आपको अगर अपना फोकस पता है, अपना टारगेट पता है, लक्ष्य पता है, तो आप उसको अपने दृढ़ निश्चय, अपनी पॉजिटिविटी से वहीं पर हिट करोगे। क्या आप अपनी बेटी को भी ऑफिसर बनाना चाहेंगे? मैं आपके कदमों पे वो चले, क्या आपको? मैं अपनी बेटी को वो बनाना चाहूंगी जो खुद बनना चाहती है।
उसकी आप वो यूनिफॉर्म में उसे देखना चाहेंगी? मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी अगर वो यूनिफॉर्म पहनेगी, बट मैं यही चाहूंगी कि वो ये चीज अपने अंदर से ले, मैं उसको फोर्स मत ना करूं इस चीज के लिए। जी। जैसे कि आपने बोला कि मेरे परिवार का फैसला था मुझे शादी कराना, जी। उस टाइम पे आप बोल सकते हो कि उन्होंने मुझे फोर्स किया शादी के लिए, जी। तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मैं अपनी डॉटर को फोर्स करूं किसी भी चीज के लिए। जी। उसका जो भी फैसला है वो मेरे को मंजूर है। क्या वो आपको अपनी एक मेंटोर की तरह, एक गाइड की तरह देखती है? क्या वो सोचती है कि जैसे मम्मी ने इतने हर्डल्स पार किए हैं उस तरह से मैं भी करना चाहूंगी? ये तो खैर ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है जो कि मैं बता नहीं सकती, और आपके माइंड में क्या चल रहा है ये मुझे नहीं पता है, और मेरे माइंड में क्या चल रहा है ये आपको नहीं पता है, बट ये उसकी सोच पे डिपेंड करता है। और मुझे जहां तक पता है आप जिसको जैसा एनवायरमेंट देते हो वो उसी के अकॉर्डिंगली ग्रो करता है। बिल्कुल। अब मैं आपसे ना दो तीन पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगी। कैप्टन प्रिया, पहली बार जब आपने यूनिफॉर्म पहनी आफ्टर बिकमिंग अ कमीशन्ड ऑफिसर, कैसा महसूस हुआ? ये पार्ट भी मैं आपको कवर करना चाहूंगी। जब मैंने एकेडमी ज्वाइन किया था जी, तो मेरा एम यही था कि प्रिया अभी मुझे एक एग्जांपल सेट करना है, क्योंकि मैं जिस लेवल से आई हूँ उस लेवल से आज तक इस एकेडमी में किसी ने पैर नहीं रखा है। बिल्कुल। इसीलिए आपकी जर्नी, आपका सफर और भी ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। क्योंकि मैं एक एनसीओ बैकग्राउंड से आई थी जी, जहां पर आज तक किसी ने पैर नहीं रखा था, तो मैंने यही चीज फोकस की थी कि प्रिया अभी जिस टैग को हटा के, बेचारे टैग को हटा के आपने रिकमेंडेशन लिया है, उस बेचारे टैग को यहां नहीं लेना है। कोई ये ना बोले कि ये वॉर वीडियो है, इसको पुश करो एंड देन आगे इसको ट्रेनिंग में आगे रिकमेंड करके ऑफिसर बना दो। दैट डे आई हैव डिसाइडेड कि मुझे जो भी करना है एक अपने बल पे करना है। एंड मैं आपको बताना चाहूंगी उस हार्ड वर्क की वजह से मैंने एकेडमी में 12 मेडल्स जीते, मैंने वहां पर क्रॉस कंट्री में हाफ ब्लू कार्ड लिया और बेस्ट ओटीए लेडी कैडेट मेरे को मिला जी, बेस्ट आउटडोर ट्रेनिंग मेरे को वहां पर ऐसे ही 12 मेडल्स मिले हैं जी, जो कि मेरे लिए और मेरी मम्मी, मेरे जो मम्मी वहां पर जिस टाइम पे आई थी बहुत बड़ी बात थी, बहुत गर्व की। एक टाइम वो था जब मेरे साथ वो हादसा हुआ था और मेरी मम्मी ऐसे दुनिया को फेस कर रही थी कि जैसे कि मेरी बेटी की लाइफ खत्म हो गई है जी, बट एक वो दिन था जब मैं स्टेज में मेडल लेने के लिए जा रही थी जी, तो वो एक सीना तान के खड़ी थी कि ये मेरी बेटी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं दर्शकों को बता दूं कि ये बात सही है, जब हमारे कमीशन्ड ऑफिसर्स किसी भी सर्विस में हो, भले आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, जब वो शहीद हुए तो उनकी बीवियों ने आगे उसी फील्ड में आगे आई, वो कमीशन्ड ऑफिसर्स बनी। एयरफोर्स में एक काफी बारी हो चुका है एग्जाम्पल, बट जैसा कि हम बात कर रहे हैं कैप्टन प्रिया के साथ, ये नहीं होता रोज कि नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की बीवी जो है वो एक कमीशन्ड ऑफिसर बने। तो कैप्टन प्रिया बिल्कुल सही कह रही है कि उन्होंने जिस बैकग्राउंड को का बैरियर ब्रेक किया कई लेवल्स पर वो बहुत बहुत सराहनीय है। आप कह रही हैं 12 मेडल्स आपने एकेडमी में जीते क्योंकि आप चाहती थी कि यू शुड बी ट्रीटेड वन अमंगस्ट इक्वल्स, इक्वल की तरह ट्रीट होना चाहिए, कोई डिसएडवांटेज या वॉर विडो का वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब मेडल्स मिले, उसके बाद जब आपको यूनिफॉर्म मिली, तो पहला क्या आपके मन में थॉट आया? पहला थॉट यही था कि मैंने प्रूफ कर दिया है जी कि मैं बेचारी नहीं हूं, और मैंने वो एग्जाम्पल सेट किया है उन लोगों के लिए जिनको में भी दबाया जाता है आफ्टर दैट इंसिडेंट कि अब आपकी कोई लाइफ नहीं है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक कॉर्नर में ये होप तो आई होगी कि अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, एंड दैट इज द बिग थिंग फॉर मी। जैसा मैंने कहा, प्रेरणा है आपकी पूरी स्टोरी। मेरे को कर्नल अरुण अग्रवाल ने एक चीज ये भी बोली थी जब मैं कमीशन हुई थी कि प्रिया मैं जो चाहता था वो हो गया, पर मैं एक चीज तुमसे एक और चाहता हूँ कि जैसे तुम यहाँ पर आए हो ना इस लेवल पे, ऐसे ही वहां से और लड़कियां भी आए। और मैं ये बता के बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बाद 3 लेडी ऑफिसर जो जवान की वाइफ थी ऑफिसर बनी है। अरे वाह। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप और क्या सोचती हैं, जैसे कि हम अपनी फ्रीडम की बात करते हैं, अपनी फ्रीडम को वैल्यू करते हैं, क्या मैसेज होगा आपका? फ्रीडम, इंडिपेंडेंस डे, तो ये सब पे लागू करता है। इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि मेरा आज 15 अगस्त है, आज ही इंडिपेंडेंस डे है, हम आजाद
थे आजाद हैं, आजाद रहेंगे, सेम हम लोगों पे ये इम्प्लाई होता है, लागू होता है कि हम आजाद हैं, हम आजाद थे, हम आजाद रहेंगे जी। ये केवल सोच में नहीं होना चाहिए, इसको प्रैक्टिकली भी लाना चाहिए। तो अगर आप ये सोचते हो कि आप आजाद हो, तो आपको उस आजादी कौन सी चीज है जिससे देश को अभी भी मुक्ति और आजादी मिलनी है, क्या लगता है आपको? ऐसी कौन सी कि अब कोई प्रथा हो सकती है, कोई काम हो सकता है जिससे आपको लगता है देश को अभी भी आजादी नहीं? सोच, हम लोगों की सोच बंधी हुई है, अभी भी आजाद नहीं है बिल्कुल। जब तक हम वो लेवल, वो सोच को चेंज नहीं करेंगे, तब तक सब एक लेवल की सोच पे नहीं आएंगे, तब तक सोच की आजादी मिलना बहुत मुश्किल है। जो हम ये देख रहे हैं, जो अभी ये वुमेन एम्पावरमेंट वाली बात चल रही है, ये सोच का फर्क है जी। मेरी सोच बोलती है कि हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को उस लेवल पे सोचती हूँ, और अगर मैं उस लेवल पे हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग सब उस लेवल पे है जी। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मैं ही सुपीरियर हूँ और जो ये लेवल है ये यहीं पर है। तो उस वो जब तक ये लेवल नहीं कम चेंज करेगा, अपनी सोच को नहीं अटक करेगा, चेंज नहीं करेगा, तब तक वो आजादी कभी भी नहीं मिल पाएगी। और अगर वो सोचता है कि मैं ऊपर हूँ और सब कुछ ऊपर है, तो सबसे बड़ी गलती उसकी यही है कि वो ये चीज सोचता है। अगर हमें चलना है, जैसे अगर हमें एक लकड़ी तोड़नी होती है, हम बहुत इजीली तोड़ लेते हैं, बट जब एक मुट्ठी होती है, एक बंच होता है लकड़ी का, तो वो नहीं टूट पाता, क्योंकि वो सारी जो लकड़ी होती है एक लेवल की होती है, इसलिए वो टूट नहीं पाती। ऐसे ही अगर हमारी सोच एक लेवल की जिस दिन हो जाएगी जी, उस दिन हमें ना कोई तोड़ पाएगा और ना कोई हमें छेड़ पाएगा। दैट्स एन आर्मी ऑफिसर स्पीकिंग। कैप्टन प्रिया, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपको बिल्कुल सलूट करती हूँ, आपकी स्पिरिट को, आपकी डिटर्मिनेशन को, आपके हार्डवर्क को। मैं ही नहीं, मुझे लगता है हमारे सारे व्यूअर्स जो इसको देख रहे हैं सलूट करते हैं, और मोर पावर टू यू। एंड एज आई सेड, मुझे लगता है हम आपकी बेटी को भी यूनिफॉर्म में जरूर देखेंगे विद मोर स्टार्स। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। थैंक यू, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।